नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। जीएसटी की बारीकियां समझाने के लिए मोदी सरकार छोटे व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए मास्टर क्लास आयोजित करने जा रही है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने बताया कि 6 दिन चलने वाली इस 1 घंटे की मास्टर क्लास का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। यह प्रसारण 3 दिन हिंदी में और 3 दिन अंग्रेजी में चलेगा। इस मास्टर क्लास में जीएसटी के पंजीकरण से लेकर रिटर्न ऑफ रिफंड तक की प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाया जाएगा। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में बनने वाली फोटो गैलरी की कार सेवा आरंभ कर दी गई है। इस कार्य की सेवा एसजीपीसी ने दमदमी टकसाल को दी है, जो जल्द इसको काम को पूरा करेगी। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वर्तमान प्रधान बहुत ही सम्मानयोग सरदार कृपाल सिंह जी बडूंगर उन्हां दी अगवाई विच असीं 24 मई नूं उन्हां नूं इक मंग पत्र दित्ता सी कि इस स्थान ते शहीदां दीआं तस्वीरां ला के शहीदी गैलरी स्थापित की जाए। मानयोग प्रधान साहब जी ने अंतरंग कमेटी ने मिल के बड़ा भारी यह इतिहासक एक फैसला लिया, निर्णायक फैसला लिया कि शहीदां दी गैलरी इत्थे जरूर स्थापित की जाएगी। और उन्हां वल्लों अज का दिन निश्चित किया गया सी। अज जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी सिंह साहिबाना दी और प्रधान साहब श्रोमणी कमेटी की मौजूदगी विच शहीद परिवारां दी मौजूदगी विच संतां महापुरखां दी हाजरी विच शहीदी गैलरी की सेवा आरंभ की गई है। और समूह शहीदां दी याद विच अखंड पाठां दी लड़ी भी प्रारंभ की गई है। इसलिए मैं जिथे समुचे खालसा पंथ का रोम रोम करके धन्यवाद करना, समुचियां सिख संगतां दा धन्यवाद करदा, उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार कृपाल सिंह जी बडूंगर दा भी मैं रोम रोम करके धन्यवाद करदा, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी अंतरंग कमेटी दा भी, सारे मैंबर साहिबानां दा भी रोम रोम करके धन्यवाद करदा जिन्हां ने यह इतिहासक फैसला लै के एडा वड्डा कार्ज करन दे विच अपना महान योगदान पाया। भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा का डलहौजी विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मनोज चड्ढा ने करीब 3 से 4 हजार समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे वह डलहौजी में भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल हो गए हैं। कि वो अकेले नहीं आए, वो परिवार सहित आए हैं। मैं उपाध्यक्ष पूरी नगर पालिका डलहौजी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पे, उसका पप्पू भी जमानत पे, यहाँ वीरभद्र जमानत पे, पूरा परिवार जमानत पे। और आपको बधाई हो, आप शिमला क्यों जाते हो, आपकी तो विधायिका भी जमानत पे, और वो केवल जमानत पे नहीं है, वो सजा याफ्ता है। उसको 1 साल की सजा हुई है, 8 हजार का जुर्माना हुआ है, फिर भी विधायिका बन के यहाँ घूम रही है। उत्तर प्रदेश के धामपुर में नैनीताल हरिद्वार राजमार्ग पर रोडवेज बस और इनोवा कार की आमने सामने भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 1 परिवार के 8 लोगों और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से घटना का जायजा लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। तरन तारण में स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने 270 ग्राम हेरोइन के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका 4था साथी भागने में सफल रहा। जानकारी के मुताबिक हेरोइन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,40,00,000 रुपए कीमत आंकी जा रही है। वहीं आरोपियों से 1 पिस्टल व 1 राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। सरकार के हदायतों के एसटीएफ नारोकड़ स्टाफ वध्या ही, जिन्हां दे नशे दे खिलाफ मुहिम शुरू की ही। इस दौरान तरन तारण के कल शामी साढ़े एस ए रजिंदर सिंह की पार्टी समेत नाका लाया ही नवा बाईपास बहादुर रकबा बूह के नेड़े, उत्ते एक फार्चून गड्डी आई, उन्होंने रोकया, रोक के जो इन्हों पुछण लगे तो ये 4 बंदे गड्डी चो उतर के भजन लगे, जिन्होंने 3 जणों गिरफ्तार कर लिया, जिन्हों रवि कुमार
ਨੋਨਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 315 ਬੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਆ, ਜੋਬਨ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਰ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਆਈ ਆ, ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮੱਗਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।